अंदर आप देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में बस जनरल में चढ़ने के लिए आए हैं। पूरा ठूसम ठूस है, यह देखिए भगदड़ मच गया, भगदड़ मच गया। स्लीपर बन चुका है, जनरल से भी बुरा। क्या हाल है भाई, देखो जहाँ देखिएगा वही हाल है इस ट्रेन का भाई, लड़ाई झगड़ा सब चालू। क्या मस्त लहर आ रहा है, लटकना पड़ा एकदम, पूरा लटक फटक के सब जा रहा है, देख लीजिए। तो जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार के सिल्क सिटी अपनी भागलपुर रेलवे स्टेशन से। और आज हम सफ़र करने वाले हैं यहां से आनंद विहार के बीच में चलने वाली एक डेली एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत ही फेमस ट्रेन है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12367। आज इसी में सफ़र करेंगे, दोपहर के 12 बजे निकलती है अपनी भागलपुर से सफ़र। अगर यात्रा पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए सपोर्ट कीजिए दोस्त। और ये आ चुकी है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इस तरफ देखिए जो लाइन आप देख रहे हैं पूरा जनरल के लिए है, और देखिए भीड़ देखिए, तो शांति से बैठ के देखिए। तीन जनरल कोच है, सभी देखिए जनरल वाले पैसेंजर दौड़ रहे हैं, और इधर अलग से लाइन भी लगा हुआ है। और यह देखिए भगदड़ मच गया प्लेटफॉर्म पे, तीन जनरल कोच मात्र है बस, देख लीजिए कितना ज्यादा भीड़ है, हजारों की संख्या में बस जनरल में चढ़ने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका हमारी ट्रेन का निकलने का अपनी भागलपुर से, और देखिए स्लीपर का हाल कुछ ऐसा है, वॉशरूम में इसमें भी पैसेंजर है। चलिए अपने लोग S4 में है, ऊपर कीजिए। हाँ तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है भागलपुर से, और देख लीजिए स्लीपर में क्या है भीड़, स्लीपर का हाल कुछ ऐसा है। बाय बाय भागलपुर। शिमालपुर जंक्शन हमारी ट्रेन आ चुकी है विक्रमशिला, कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आरक्षित। और यह एक नंबर प्लेटफॉर्म दोस्तों अपनी जमालपुर जंक्शन पर, और भीड़ देखिए यहाँ भी कितना है इस ट्रेन में चढ़ने के लिए, ट्रेन पहले से ही पैक है। दोस्तों 53 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने तीसरे हॉल्ट जमालपुर जंक्शन, और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। भाई साहब इस ट्रेन में जनरल आप भूल जाइए, स्लीपर में भी वही हाल है, पूरा ठूसम ठूस है, सीट पे बैठ नहीं पाए, सब भरा हुआ था, सीट तक नहीं पहुंच पाए जब यहाँ से डिपार्चर लिए अपने भागलपुर से, उसके बाद फिर हम गेट पे ही लटके हुए हैं तभी से। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, यह देखिए भीड़ जमालपुर में कितना हो गया है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है दोस्तों, और ये जो है ना अपनी मालदा डिवीजन में आती है जमालपुर, यहाँ पे बहुत बड़ा वर्कशॉप भी अपनी इंडियन रेलवे का, 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है।
बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से मुंगेर की तरफ ही लाइन जाती है और हम लोग क्यूल की तरफ जाएंगे। मुंगेर के रास्ते कटिहार और बेगूसराय भी लाइन चली जाती है, हम लोग क्यूल चल जाएंगे, अपनी आवा दिल्ली मेन लाइन पकड़ लेंगे। अरे अजी उतरना है, अरे भाई उतरो उतरो उतरो, ठीक से आगे आगे ओके आगे ओके आगे ओके, हाँ हाँ आप आ जाओ आप आ जाओ। अरे बैग पकड़ो, अंदर आप आप अंदर आइए ना, ये आ जाएंगे अंदर, आप बढ़िए अंदर बढ़िए अंदर बढ़िए अंदर जाइए ना, बाहर में चौ चौ करते हैं आप लोग, अंदर बढ़ते जाइए सीधा बढ़ते जाइए सीधा बढ़ते जाइए। चलिए दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है जमालपुर जंक्शन से, और देख लीजिए कोच का हाल बेहाल हो चुका है, बाय बाय जमालपुर, बहुत भीड़ भर गया दोस्तों जमालपुर में। ये स्लीपर बन चुका है जनरल से भी बुरा, आदमी यहाँ रिजर्वेशन है फिर भी नहीं चढ़ पा रहा है, कितना का छूटा। क्या भैया कहाँ जा रहे हैं आप? हम धनाला जा रहे हैं भैया। भैया कैसे कैसे चढ़ गए आखिरी में ट्रेन खुलते वक्त, इसलिए गेट पे हैं। चलिए निकल चुके हैं जमालपुर से, क्यूल जंक्शन पे आपका वेलकम है। तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गई हमारी ट्रेन क्यूल जंक्शन पे, और यह देख लीजिए क्यूल जंक्शन पे ढेर विक्रमशिला के लिए। हर जगह इस ट्रेन में पब्लिक चल रही है, वाह कितना भीड़ है। ऊपर से तो इसका प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे है, यह देखिए क्यूल में कितना हो रहा है प्रॉब्लम, जहां देखिएगा वही हाल है इस ट्रेन का भाई, क्यूल में भी। क्यूल में हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन जो अपनी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है, और यहाँ लखीसराय में दोस्तों एक है अशोक धाम, भगवान शिव का मंदिर बहुत फेमस, आप जरूर विजिट करें कभी अगर आते हैं लखीसराय तो। और क्यूल जो है ना वो क्यूल रिवर के इस साइड क्यूल जंक्शन आती है, क्यूल रिवर क्रॉस करने के बाद अपनी आ जाएगी लखीसराय, भयंकर है अभी लड़ाई झगड़ा सब चालू, चढ़ो भाई चढ़ो चढ़ो जल्दी जल्दी चढ़ो, हर गेट पे वही हाल है विक्रमशिला एक्सप्रेस का, इसलिए इसे कहते हैं नर्क बन गई है ये ट्रेन। चलो आगे बढ़ते चलिए बढ़ते चलिए, यही है हॉर्न भी हो चुकी है। चलिए दोस्तों क्यूल से भी निकल गए हैं भाई साहब, अब लखीसराय इसका नेक्स्ट स्टॉप है, जो मात्र क्यूल नदी क्रॉस करने के बाद आ जाएगी, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा मात्र मुश्किल से। देख किस तरह से लटक लटक के सब यात्रा कर रहे हैं इस विक्रमशिला एक्सप्रेस में, ओ आगे वाले कोच में तो और लटका हुआ है भाई साहब, ये स्लीपर का हाल है ना कि जनरल का। ये आ गई हमारी क्यूल रिवर, काफी कम पानी है, यह लखीसराय का मार्केट। आ गए हम लोग अब लखीसराय, देख लीजिए अपना नेशनल फ्लैग क्या मस्त लहर आ रहा है लखीसराय में, ये हर बार मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है अपना नेशनल फ्लैग, और अब जो कसर बाकी था वो यहाँ पूरा हो जाएगा भीड़ का। अपोजिट साइड यहाँ प्लेटफॉर्म आई है दोस्तों, इसलिए उतर तो पाऊंगा नहीं,
वहाँ पे भी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। ओ भाई अंदर देख हाल। चलिए अंदर घुसिए। अरे अंदर चलिए तो। गेट पर और क्या हो गया? हल्का का चलो ना। क्या हाल है भाई देखो मर रहे हैं यहाँ। चलिए बाहर से निकल गए। अरे वाह हटिया पटना में देखिए क्या भीड़ है। सुपर एक्सप्रेस हटिया पटना पाटलिपुत्र। ऐसे भी फुल टंच है। सो शाम के और 4:45 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है फतुहा जंक्शन। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक चली जाती है इस्लामपुर की तरफ लाइन, इसलिए ये जंक्शन पॉइंट। अब भाई साहब ट्रेन में हर स्टेशन पे पैसेंजर चढ़ रहे हैं, ऐसा कोई स्टॉप नहीं आया है जहाँ पे इस ट्रेन में भीड़ बढ़ा नहीं है। जितना भीड़ था पहले से उससे ज़्यादा और बढ़ते जा रहा है। रद्दी हालत हो चुका है इस ट्रेन का भी। आप देख सकते हैं यह मेरे पीछे, यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। चल चुकी है हमारी ट्रेन और देखिए लटकना पड़ा। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्ट हो गए। पटना जंक्शन हमारी ट्रेन पहुंच रही है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अपोजिट साइड है प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना और हमारी विक्रमशिला निकल रही है। और भाई मुझे ये ट्रेन यहीं छोड़ना पड़ा विक्रमशिला को, और मैं अपोजिट साइड ट्रैक के तरफ ही उतरा हूँ। अभी जब तक आया प्लेटफॉर्म पे तब तक इससे डिपार्चर भी मिल गया। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों इस ट्रेन में। प्लेटफॉर्म पे मुझे इस साइड उतरने का मौका ही नहीं मिला, पूरा जाम था रास्ता। फिर मैं उधर ट्रैक के साइड ही उतरा हूँ, फिर ब्रिज पे से इधर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये मोस्ट स्ट्रगलिंग जर्नी जो है वो पसंद आया होगा इस विक्रमशिला एक्सप्रेस की।
आपको बस दिखाना चाहता था कि क्या हाल अभी चल रही है अपनी विक्रमशिला की। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसा ही खतरनाक जर्नी के साथ। बिहार की मोस्ट डिमांडिंग ट्रेन है भाई अपनी विक्रमशिला, देख लीजिए क्या भीड़ है अभी भी। और यहाँ के बाद अब बस इसका एक DDU और कानपुर दो ही हॉल्ट है। बाय, एकदम पूरा लटक फटक के सब जा रहे हैं, देख लीजिए। यहीं से यहीं आया, यहीं से